पायल की आवाज, मतलब प्रगति अंदर है और रघुवीर हॉल में। सही टाइमिंग है। वानी वानी वन, पूरा पेट्रोल मैंने पहले ही डाल दिया था और बाकी कसर अब भी हो गए, ताकि आग लगते ही भड़क जाए और बचने का कोई मौका ना मिले। वाणी, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? वाणी, ये कुछ समझ नहीं आ रहा। हर बार की तरह इस बार नहीं बचोगी प्रगति। उप्स, पानी। क्या आवाज? फायर अलार्म, लगता है कहीं आग लगी। शेफाली प्रिया, चलो जल्दी निकलो, जल्दी। क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ में? जब भी मैं तुम्हारा चेहरा देख रहा हूँ तो किसी और का चेहरा नजर आ रहा है। तुम ऐसा कर रही हो ना? ऐसा तुम कर रही हो ना? हाँ, तुम नहीं चाहती मेरी यादों में रहना? नहीं ना? ओके, भगवान भी शायद यही चाहते जो तुम चाहते हो। तो आज हम दोनों एक दूसरे का अंतिम संस्कार करते हैं। वक्त हो गया है अंतिम संस्कार करने का। चलो जल्दी। अरे तो साया की पकड़, साया की पकड़, फोन किया, चीजू फोन किया, भाई वाटर फोन किया, भाई पुरिया, रघुवीर, रघुवीर सर कहाँ हैं? रघुवीर सर भाई ने तो छोड़ दी थी, तो फिर आज कैसे पी ली? अरे अरे, मैंने मैंने भाई को रूम में जाते हुए देखा था, उन्होंने बहुत पी रखी थी। क्या मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूँगी? नहीं नहीं, क्या कर रही हो? जाने दो, तुम कर क्या रही हो? प्रगति, ईदर की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, और प्रगति की मौत आती है तो वो आग की तरफ भागता है। अरे कोई तो बचा रही है प्रगति को, मेरे दोनों बच्चे अंदर है। लगता है इसका मरना सिर्फ मेरे हाथ में लिखा है।
वाणी रघुवीर साहब, रघुवीर साहब मतलब वो हुडी वाला रघुवीर साहब नहीं, कोई और है रघुवीर साहब। वाणी आगे मत आना, वहीं रहो। तुमसे आज मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आगे आगे मत आओ। नहीं, यहां से नहीं, पीछे के रास्ते से जाता हूँ। सबको लगे मैं घर में था ही नहीं। कौन तो बचा मेरे बच्चों को? भाभी भैया को कुछ हो गया तो? ये क्या हुआ अर्चित? मेरा इम्पोर्टेंट कॉल आ गया तो बाहर लेने चला गया इसको। ये कब हुआ, कैसे हुआ ये? पता नहीं, कुछ करो ऐसे प्लीज। फायर ब्रिगेड को बुलाया क्या? कोई अंदर तो नहीं है? रघुवीर अंदर है, उसे बचाने के लिए प्रगति भी अंदर गई है। दोनों की लाइफ खतरे में। वाणी मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुमसे मैंने बेपनाह प्यार, तुमसे मैं इतना प्यार करता था कि मुझे लगता था मेरी सांसें चली क्यों रही है जब तुम मेरी जिंदगी में नहीं हो। मुझे अपने आप से नफरत होने लगी थी, अपनी जिंदगी से नफरत होने लगी थी, अपनी सांसों को कोसता था मैं। मुझे लगता था कि ये चल क्यों रही है, रुक जानी चाहिए अगर तुम मेरे साथ नहीं हो। हर वक्त सुबह शाम दिन रात पल पल तुम्हारा नाम लेता रहता था, एक जिंदा लाश की तरह हो गया। मैंने और भी बहुत बार मरने की कोशिश की लेकिन हर बार मुझे बचा लिया उसने। मुझे तुम दिखाई नहीं देती, तुम मुझे पहले दिखाई देती थी, हर चीज में दिखाई देती थी, हर किसी में दिखाई देती थी। जब आँख बंद करता था तुम मेरे सामने खड़ी होती थी, लेकिन अब तुम नहीं दिखती हो बानी। तुम मुझे बिल्कुल दिखाई नहीं देती, तुम मेरे ख्यालों में भी नहीं आती, तुम मेरे सपने में भी नहीं आती। बानी मैं तुम्हें महसूस नहीं कर पा रहा हूं। ऐसा क्यों कर रही हो बानी? क्या तुम मुझे नहीं दिखना चाहती? क्या मैं तुम्हें भूलने लगा हूं बानी? बानी देखो ये सब ये यादें तुम्हारी मैंने जला दी। बानी मैं तुमसे बहुत प्यार करता था पर अब तुम नहीं दिख रही हो। मैं पागल हो रहा हूँ बानी, मुझे ऐसा लग रहा है मैं पागल हो जाऊंगा। मैं मरना चाहता हूँ लेकिन एक 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 जिंदा लाश की तरह जो आदमी जी रहे वो क्या मरेगा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। पर मैं जब तुम्हें देखना चाहता हूँ तो कोई और दिखाई देता, मैं किसी और से प्यार करने लगा हूँ बानी। वो प्रगति है बानी, तुम जाओ, गो। तुम मुझे नहीं दिखना चाहती, तुम भी यही चाहती हो कि तुम मेरे ख्यालों में ना रहो। बताओ मेरी आंखों के सामने, गो।
रघुवीर सो? पता नहीं कब कैसे क्यों, लेकिन ऐसे ही फील करता हूँ मैं, यही फील करता हूँ तुम्हारे लिए प्रगति। मैं भी नहीं जानता है कैसे हुआ, तुमने मेरी जान बचाई है प्रगति। बहुत बार तुमने मरते हुए आदमी को जिंदगी दी है, तो कोई तुम्हें दूर कैसे होने दे सकता है? मैं तुम्हें कैसे दूर होने दे सकता हूँ प्रगति? बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि तुम मेरे आसपास ही रहो। तुम जब नहीं दिखती हो ना, जान निकल जाती है। तुम्हें चोट लगती है तो मुझे दर्द होता है। तुम्हारी कोई भी तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती, तुम्हारा तो देखा नहीं जाता। पता नहीं प्रगति क्या हो गया, लेकिन मैं अब सिर्फ तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने देना चाहता, तुम्हारे ऊपर कभी आँच भी ना आए, तुम्हें खरोंच भी ना लगे। सिर्फ इतना ही चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें दिल से चाहने लगा हूँ प्रगति। I love you. I love you, Prakriti. मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, Prakriti. I love you, Prakriti. Shakti. इन्हें नींद का इंजेक्शन दे दिया है, दोनों को कोई गहरी चोट नहीं है, इसीलिए सब ठीक है, डोंट वरी। ये कुछ मेडिसिन्स मैंने लिख दी हैं, आप इन्हें ले आइए। जी। इतना टाइम क्यों लग रहा है? किसी का टाइम जो खत्म होने वाला है। नको? कैसे दोनों? सब ठीक है, ज्यादा इंजरीज नहीं हुई। भगवान का शुक्र। डॉक्टर्स बोल रहे थे कि वो आज रात को ऑब्जर्वेशन पर रखेंगे और कल हम उनको वापस लेकर जा सकते हैं। तो आई थिंक आप लोग घर जाइए, मैं यहाँ रुकता हूँ, डोंट वरी। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन जीजा जी, रुकने का इंतजाम भी तो करना होगा ना। गोपी तुम चिंता मत करो, घर रेनोवेट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक हम सेक्टर 6 में शिफ्ट हो जाते हैं। तुम इन सबको ले जाओ, अदिति पुलिस स्टेशन गई है क्योंकि कोठी उसके नाम थी, मैं फोन करके उसे वहीं बुला लूंगा। ठीक है जीजा जी। मैं एक काम करता हूँ, मैं भी यहाँ नकुल के साथ रुक जाता हूँ, वो अकेला रहेगा। नहीं हर्षित, तू घर जा, टीना पार्थ को अकेले नहीं संभाल पाएगी, तू जा बेटा। ठीक है। बड़ी माँ, मैं दवाइयाँ लेने जा रहा हूँ, आप एक काम करिए ना, आप दोनों कॉफी पी लीजिए कैंटीन में। लंका जल गई लेकिन प्रगति को आज तक नहीं आई, पता नहीं कौन सा अमृत पी रखा है इसने।
रघुवीर सर कहाँ है? रिलैक्स मैम, वो बगल वाले रूम में है। मुझे उनसे मिलने जाना है अभी। नहीं, प्लीज, क्या कर रही हैं आप? आप लेटे रहिए, लेटे रहिए, लेटे रहिए। लेटे रहिए। मुझे उनसे मिलना है प्लीज। डोंट पैनिक, वो ठीक है, आप आराम कीजिए। किसी और से प्यार करने लगा हूं बानी, वो प्रगति है बानी। मैं तुमसे प्यार करता हूं प्रगति, आई लव यू प्रगति। बता नहीं सकती सच जानने के बाद कितनी खुश हूं। एक बोझ उतर गया, अब वहम दूर हो गए, सारी गलत फहमियां दूर हो गई। अब जब मैंने तुम पे शक किया, कहीं ना कहीं मैंने प्रार्थना भी की कि सब कुछ झूठ हो, ये बेनकाब करने का प्रण किया तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद भी की कि मैं हार जाऊं। रघुवीर कितनी गलत थी, मुझे खुद पे कितना गुस्सा आ रहा है, अफसोस भी हो रहा है, लेकिन सबसे खुशी इस बात की हो रही है कि वापस लौट के मैं नहीं आई रखती, जिसे लौट के तो तुम वापस आ गए। रखती मुझे वापस मिल गए, रखती मेरे पास वापस आ गए। प्लीज उठो ना रखती, आंखें खोलो ना रखती, प्लीज मुझसे बात करो ना, प्लीज प्लीज रघुवीर। I'm so happy रघुवीर, I'm so happy।
तुम हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं? क्या हुआ है तुम्हें? वही तो होना चाहिए था। रात तक मैं बहुत कंफ्यूज थी, लेकिन अब सब कुछ क्लियर। क्या हुआ कल रात को? कल रात घर में आग और फिर आप। कौन सी आग? क्या हुआ है प्रगति? क्या मुझे कुछ याद नहीं है? याद नहीं है, लेकिन आपने बड़ी माँ बैठ बेटा, लग गई है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, उसने मेरी बात सुनी। सुननी तो थी बड़ी माँ, हमारे भाई वॉरियर जो है। ऐसा क्या किया हम लोगों ने नकुल, मुझे भी बता। भाई आपको कुछ भी याद नहीं? कल रात को घर में आग लग गई थी भाई, और भाभी आपको बचाने। वैसे भाई आप हमेशा भाभी को बचा के हीरो बन जाते हो ना, इस बार भाभी ने बाजी मार ली, हीरोइन बन गई भाभी। वैसे भाभी आप ऐसा क्या खाते हो जिससे आपको इतनी एनर्जी मिलती है? मतलब सबके मना करने के बाद भी आप चले गए, क्या डेयरिंग दिखाई है भाभी आपने। सो प्राउड ऑफ यू। बेटा ये स्टुपिडिटी की गोलियां खाती हैं सुबह शाम, इसे डेयरिंग नहीं कहते, इसे खुदकुशी कहते हैं। मुझे बचाने के चक्कर में तुम अपनी जान दांव पे लगाने चली थी, कुछ हो जाता तो। एक तो इसने तेरी जान बचाई, और थैंक यू कहने के बजाय तो इसी को थैंक यू सो मच। मैं दब गया हूं इनके एहसानों तले, दर्द हो रहा है मेरी पीठ में दब दब के। आपका एहसान मैं कभी नहीं उतार पाऊंगा मैडम। जाएंगे आप लोग? बेटा तू फिक्र मत कर, तू आराम कर, सब ठीक हो जाएगा। चलो चलते हैं। प्रगति बेटा तो चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, अब तो अपना ख्याल रख। बड़ी माँ मैं भाई के पास रुकता हूँ, आप दोनों जाइए। रखो, रघुवीर का ख्याल रखना है। इतनी पीली थी कि मुझे कुछ याद नहीं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ प्रगति, आई लव यू प्रगति। आपको कुछ याद नहीं, लेकिन मैं कुछ नहीं बोलू। दिल करता है मैं आपको जाके बोल दूं कि मैं ही आपकी बानी हूं, लेकिन बानी बनकर मैंने आपको इतने दुख दिए, सिर्फ एक नाम बदल कर आपको कोई खुशी कैसे दूं? कैसी उलझन में डाल दिया, पास रह सकती हूँ
पर ना ही दूर रह सकती हूँ आपसे, लेकिन एक काम कर सकती हूँ, जिस इंसान ने हम दोनों को एक दूसरे से अलग किया उसे मैं ढूंढ कर ही रहूंगी, वो मिल जाए तो आपको आपकी पारी मिल जाए, मैं खुद आपको सब कुछ बता दूंगी। आपने मुझे अपना सच बताया, मैं आपको अपना सच बताऊंगी। ला ला ला।